भैया समस्या काफ़ी ज़्यादा फेस करनी है, बच्चों को स्कूल से परेशान आना जाना, मान लो घर पे फैमिली में कोई मेंबर नहीं हो तो बच्चों कैसे स्कूल अंदर जाएंगे, बीमारियां फैल रही हैं बहुत ज़्यादा, डेंगू की समस्या हो रही है, घर में अंदर पानी के जाना पड़ रहा बिल्कुल। जब उनने जई आया ना जी दो दिन में कर दूंगा, अभी तक तो वो जई भी ना आया कि उन्होंने कह दी थी दो दिन की मोहलत दो, और छः दिन हो गए भैया अभी तो कुछ सुनवाई हुई ना, समस्या ये हो सब बीमार हैं, घर घर बुखार आ रही है सबके। बल्लभगढ़ के गांव सोतई के निवासियों को इस गंदे पानी के भराव से आवाजाही में हो रही है परेशानी। कहने को तो शहीद का गांव, लेकिन दुर्दशा देखी जाए तो नर्क से भी बुरी है। बल्लभगढ़ क्षेत्र का गांव अपनी गंदगी पर कुछ इस तरह आंसू बहा रहा है। यूं तो अब यह गांव ग्राम पंचायत का नहीं रहा बल्कि नगर निगम के वार्ड का हिस्सा बन गया है, लेकिन पहले पंचायत विभाग के अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं देते थे और अब नगर निगम के अधिकारी आंखें मूंदे खड़े हुए हैं। यह बल्लभगढ़ क्षेत्र का सोतई गांव है जिसकी सड़कें गली मोहल्ले और रास्ते पर हम गंदगी कीचड़ देख सकते हैं। हालात ये हैं कि आम आदमी पैदल भी नहीं चल सकता, स्कूली बच्चों को जैसे तैसे पैदल परिवार के लोग स्कूल तक पहुंचाते हैं। ग्रामीणों की माने तो इसकी शिकायत कई बार पंचायत विभाग के अधिकारियों को कर चुके हैं, लेकिन अधिकारी हैं कि इसकी ओर ध्यान तक नहीं देते। ग्रामीणों की माने तो अब यह गांव नगर निगम के क्षेत्र में आ गया है, फिर भी गांव और गांव में रहने वाले लोग अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रहे हैं। वहीं गांव की महिला कमलेश की माने तो सड़कों पर दो साल से गंदा पानी भरा हुआ है और डेंगू मलेरिया जैसी बीमारी फैलने लगी है। आंटी क्या नाम आपका? कमलेश। कमलेश जी, पानी कब से भरा हुआ है गंदा पानी और क्या कुछ समस्या? पानी कम से कम दो साल से भरा हुआ है जी। क्या क्या समस्या आप लोगों को होती है? समस्या ये हो सब बीमार हैं, घर घर बुखार आ रही है सबके, बीमारी है घर घर पड़ी है, कभी किसी का कभी कभी डेंगू, कभी मलेरिया, कभी जहाँ कुछ ना कुछ बीमारी है ही लगी रहे। तो अधिकारियों से मिले आप? अधिकारी से हम गए थे उस दिन, गेट लगा लगा के उसका फ़ोन नंबर देखो, उसका फ़ोन नंबर देखो, वहाँ से वहाँ भेज दिए, वहाँ से वहाँ भेज दिए, फिर हमने सबकी कुंडी लगा दी। जब उनने जई आया नुक जी दो दिन में कर दूंगा, अभी तक तो वो जई भी ना आया, वैसे उन्होंने कहा बार आ रहा बार, फिर ना आया कोई भी, हम तो आगे उन्होंने कह दी थी दो दिन की मोहलत दो, और छः दिन हो गए भैया अभी तो कुछ सुनवाई हुई ना। आंटी क्या नाम है आपका? सुरेश। क्या समस्या हो रही है आप लोगों को? सभी समस्या ना, गोबर को जगह करने को ना, दूध दूध को जहाँ सब कोई समस्या है। हम कितने दिनों से यहाँ पर गंदा पानी भरा हुआ है? दो साल से भर रहा है जब तक सरपंच गई है। तो उसके बाद इसका समाधान कुछ नहीं, कोई ना करे तो अधिकारियों से गुहार लगाई आप लोगों? सबने लगाई, ट्रॉली भर के गई, फिर समाधान कुछ हुआ? कोई ना करे, बस आ जाएंगे बस ये इतना ही के। सर क्या नाम है आपका? लोकेश तेवतिया। लोकेश जी, गंदा पानी भरा हुआ है गांव में, किस तरह की समस्या फेस करनी पड़ रही है? भैया समस्या काफ़ी ज़्यादा फेस करनी है, बच्चों को स्कूल से परेशान आना जाना, मान लो घर पे फैमिली में कोई मेंबर नहीं हो तो बच्चों कैसे स्कूल अंदर जाएंगे, बीमारियां फैल रही हैं बहुत ज़्यादा, डेंगू की समस्या हो रही है, घर में अंदर पानी के जाना पड़ रहा है बिल्कुल। हमने घर का देखोगे तो ईंटों से पानी रोक रखा अपने घर का, ये मेरा ही घर है बिल्कुल, आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो रही है। अच्छा, अधिकारियों से मिले हैं इस बारे में, क्या कुछ आश्वासन? बिल्कुल भाई, सब अधिकारियों से मिला, मैं अपने ही IMT चंदावली में ऑफिस बना हुआ इनका, यहाँ वो जॉइंट कमिश्नर बैठते हैं उनसे भी मिला हुआ हूँ, उन्होंने भी आश्वासन दिया हम करवाएंगे, उन्होंने दे दिया ओल्ड फरीदाबाद जो एक्शन बैठते हैं उनके लिए बोल दिया कि वो एक्शन करेंगे आपका सोल्यूशन, उन्होंने भी किया करवा रहे हैं पर होता कुछ नहीं है। फिर वहाँ चीफ इंजीनियर बैठते हैं नगर निगम फरीदाबाद, उनसे भी मिले, उन्होंने कहा करवा रहे हैं, होता कुछ है नहीं।